स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी भारत में अब बदलाव देखने को मिलना है। आपको बता दें कि हम मऊ जनपद के अमीला क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर बीएम चैरिटेबल हॉस्पिटल का आज शुभारंभ मऊ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता के द्वारा किया गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर संगम जी हमारे साथ हैं। इनसे चर्चा करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है, किस प्रकार की सेवाएं यहाँ पे जो पेशेंट आएंगे उनको मिलेगी, साथ ही किस सोच के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने हॉस्पिटल का शुभारम्भ किया है। हेलो, एक्चुअली मैं इससे पहले भी काफ़ी जगहों पर मैंने रूरल में काम किया, तो खासकर मैंने अपने उत्तर प्रदेश में ही देखा है ये चीज़ ज़्यादा देखने को जो मुझे मिला कि पेशेंट अगर परेशान अवस्था में या इमरजेंसी अवस्था में किसी भी हॉस्पिटल पे जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले ये प्रॉब्लम आती है ग्रामीणांचल में कि डॉक्टर उसको अपनी बातें समझा नहीं पाता और लिहाजा पेशेंट इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल भटकता है, इमरजेंसी सेवा नहीं लेने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी संदर्भ में मैं आगे बोलना चाहूँगा आपको कि जो मैंने ये अस्पताल का निर्णय लिया ग्रामीणांचल में डालने का, उसका मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि जो भी मरीज अगर इमरजेंसी अवस्था में, फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक आ गया, पेशाब रुक गया, पेशेंट अचानक से बेहोश हो गया, गिर गया, मस्तिष्क में ब्लीडिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद इधर उधर भटकने से बेटर आप यहाँ पर आइए। हमारे पास आप देख सकते हैं सारी सुविधाएँ हम लोगों ने दी हुई है यहाँ पर। एक तो डिफिब दे रखा है हमने, डिफिबिलेटर का सबसे बड़ा काम होता है कि अगर आपका हार्ट रुक गया है तो उस हार्ट को इमिडिएटली शॉक दे करके हम स्टार्ट कर सकते हैं, और एक बार अगर वो हार्ट स्टार्ट हो जाता है तो हम वेंटिलेटर की सुविधा से मरीज को बचा के किसी भी बड़े संस्थान पर भेज करके उसकी जान बचा सकते हैं। ठीक है, ये सारी गतिविधियां हम लोग यहां पर शुरू करने जा रहे हैं। प्लस दूसरी चीज़, ग्रामीणांचल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जच्चा बच्चा, यानी कि माँ और बच्चे, इन दोनों की सेवाओं में। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे अस्पताल भी होते हैं जहाँ पर जच्चा बच्चा के जन्म से लेकर के अंतिम तक की सिर्फ कमाई का साधन बना करके रखते हैं, ना कि सेवा का साधन बनाते हैं उसमें। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक तरीका लगाया है कि मरीजों को मिनिमम से मिनिमम, जितना मिनिमम खर्च में हो सके उनकी डिलीवरी, और उस डिलीवरी के दौरान अगर बच्चा टेढ़ा हो जाता है, फंस जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो वहाँ हमारे पास जो है इमरजेंसी डॉक्टर्स, जैसे मैं खुद MBM करके आया हूँ UK से, और इमरजेंसी में ही मेरी अपनी स्पेशलिटी है, तो हम लोग उस चीज़ को टैकल करेंगे ताकि जच्चा बच्चा दोनों को आसानी से बचाया जा सके और सुरक्षित कम दाम में, कम पैसे में जच्चा बच्चा का यहाँ पर सुरक्षित इलाज हो पाए। आपने कहा कि जो भी स्पेशलिटी है, जो पढ़ाई हुई है आपकी यूको में हुई है, लोग शहरों में, बड़े शहरों में या दूसरे देशों में पढ़ने के बाद शहरों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन आप ग्रामीण अंचल में आए हैं, इसके पीछे की क्या कारण? इसके पीछे का कारण ये था कि एक तो मैं यहाँ का नेटिव हूँ, ठीक है, मेरा जो नेटिव है वो बढ़लगंज है, और जब मैं MBBS कर रहा था, MBBS मैंने इंडिया से ही किया है, MBBS जब मैं कर रहा था उस समय तक हमारे गांव में तो इवन आप मान के चलिए कि PHC तक नहीं था, और मेरी माँ की भी जो मृत्यु हुई उस समय को भी मैं एक बार ध्यान दिलाना चाहूँगा सबको कि उस समय मेरा पूरा ब्लॉक घूमता रहा, मेरी माँ को लेकर के लोग पूरे ब्लॉक में घूमते रहे, लेकिन एक डॉक्टर ऐसा नहीं था जो इमरजेंसी में उनको टच करके ये कह सके कि अभी इनमें हम कुछ प्रयास कर सकते हैं या प्रयास किया जाए। डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, हम इस मरीज को नहीं ले सकते, ये मर चुकी हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि ग्रामीणांचल में इन चीज़ों की बहुत कमी है, तो अगर मैं शहर में जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा होगा तो कितनी सैलरी मिलेगी, 2-2.5 लाख रुपये महीना में एक सैलरी पा जाऊँगा, एक 2 BHK फ्लैट लेकर के अपने बीवी बच्चे के साथ आराम से 9 to 5 की ड्यूटी करके खुश हो जाऊँगा। लेकिन ग्रामीणांचल में आने का मेरा सबसे बड़ा माइलस्टोन ये था कि मैं अगर यहाँ पर काम करूँगा तो मुझे देख करके पीछे आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो भी मेरी तरफ रुझान लेगी, और लिहाजा हम लोगों को ग्रामीण में भी लोगों को सेवा देने में झिझक नहीं है। एक सवाल आपसे आखिरी करना चाहूँगा, कितनी स्टाफ की टीम है आपके वहाँ, आप जैसे संस्थापक इस तरीके से देख ले डॉक्टर के रूप में हैं, और कितने लोग आपके सहयोगी हैं? देखिए, मेरे सहयोग में अभी प्रेजेंट टाइम में तो हमारी 50 डॉक्टर्स की टीम है जो हमारी ऑनलाइन लिस्ट है, जिसमें से बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बिना यहाँ रहे मेरा हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर राकेश बोबा, जिनका नाम आप लोगों ने बाहर देखा होगा, वो एपिडेमोलॉजिस्ट इंडोडर्मोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, यानी कि जो थायराइड डायबिटीज़,
ग्लैंड्स से रिलेटेड जितने भी डीएम है वो ठीक मेरे बैचमेट है, वो उनका सहयोग मिल रहा है। डॉक्टर पंकज सिंह लखनऊ, उनका सहयोग मिल रहा है। और कोलकाता पीयरलेस हॉस्पिटल्स में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनका हमारे पास सहयोग है। प्लस साथ साथ में मेरे खुद के अपने बैचमेट्स हैं जो मुझे इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो मेरे ऑनलाइन सेक्टर में भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ताकि अगर कोई मरीज ऐसा है जो मेरे हाथ के बाहर का है, फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है और मैं तो न्यूरो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं उसको इमरजेंसी में बचाया, अब उसकी औकात नहीं है कि वो ब्रेन ट्यूमर का इलाज करा सके, तो यहाँ पर हम घर बैठे ऑनलाइन से अपने उस फ्रेंड को टच करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए वहाँ से अपना प्रिस्क्रिप्शन देंगे, वहाँ से अपना इंटरवेंशन देंगे, ताकि हम उनका इलाज यहाँ पर सस्ते दर पर यहीं घर बैठे कर सकें।